पठान फिल्म का विरोध अलीगढ़ जिले में भी देखने को मिला है, जहां करनी सेना के कार्यकर्ता रविवार को बड़ी तादाद में कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के ब्लू वर्ड चौराहे पर इकट्ठा हुए और सनातन धर्म का अपमान करने वाली पठान फिल्म का पुतला दहन करते हुए पठान फिल्म को सिनेमाघरों में पूरी तरीके से बैन करने की मांग की गई। पुतला दहन करने के बाद करनी सेना के पदाधिकारियों ने कोतवाली बन्ना देवी पहुंचकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान करनी सेना के द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर पठान फिल्म को अलीगढ़ में किसी भी सिनेमाघर में चलाया गया तो करनी सेना के लोगों द्वारा उस सिनेमाघर को ही आग के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार वह स्वयं सिनेमाघर के मालिक होंगे। आपको बता दें कि पठान फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली बन्ना देवी पहुंचे थे। कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची करनी सेना के पदाधिकारी ने कहा कि करनी सेना द्वारा सनातन धर्म को अपमानित करने वाली पठान फिल्म का पुतला जलाया गया है। वही पठान फिल्म का पुतला दहन करने के दौरान कहा कि पठान फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान और भगवा कपड़े पहने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा और फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ राज आनंद के द्वारा भगवा कपड़े पहनकर फिल्माए गए बेशर्म गाने ने पूरे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया और पठान फिल्म में भगवादारी कपड़े पहनकर अश्लीलता परोसी गई है, जबकि बॉलीवुड पहले भी इसी तरीके से सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करते चले आ रहा है। वहीं इस बार पठान फिल्म में फिल्माए गए गाने में भी भगवा रंग को बेशर्म रंग कहकर दोनों एक्टर्स के द्वारा अश्लीलता परोसी गई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भगवा रंग का बेशर्म रंग कहकर पठान फिल्म ने पूरे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोगों को करनी सेना की चेतावनी है कि सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोगों को अब करनी सेना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने सेंसा त्राय पर पठान फिल्म के प्रदर्शन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था और उसी संदर्भ में आज हम यहाँ फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक सिद्धार्थ राज आनंद एवं नायक शाहरुख खान व नायिका दीपिका पादुकोण के खिलाफ मुकदमा कायम कराने आए हैं। आश्वासन एसओ साहब ने कहा है कि हम मुकदमा कायम करेंगे, इसमें कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज चूंकि पूर्व में कई बार ऐसा हो चुका है कि पुलिस आश्वासन दे देती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती है, तो आज हम सभी लोगों की ये जिद है कि जब तक यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। मुकदमा कायम होने के बाद, मुकदमे के FIR की प्रति मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तथा मैं एक बात और आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ और मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ थिएटर मालिकों को, ऐलान के साथ कह रहा हूँ कि अगर अलीगढ़ में कहीं भी या उत्तर प्रदेश में कहीं भी पठान फिल्म का प्रदर्शन किया तो करनी सैनिक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर उस थिएटर को जला देंगे, आग लगा देंगे, मगर हिंदू धर्म का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थिएटर मालिकों के लिए चेतावनी है, पुनः कह रहा हूँ थिएटर मालिक सुन लें, फिल्म का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें, अगर प्रदर्शन किया तो उनके साथ होने वाली प्रत्येक घटना के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज अगर अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब तक धरना करेंगे क्या? तब तक हमारा धरना रहेगा थाने पर जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अच्छा, पुतला जलाने के बाद क्या आप लोगों ने रोड जाम किया था? नहीं, रोड जाम हमने नहीं किया, हम लोग सीधे जुलूस के रूप में और